इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में एक और खलल आ गई है। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीसीबी ने आईसीसी को कहा है जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है उस वेन्यू पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को खतरा है। आपको बता दें, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप लीग मैच के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को डिसाइड किया गया था। वहां 15 अक्टूबर को मैच होने वाला था इंडिया और पाकिस्तान का। आपको ये भी बता दें कि आईसीसी का शेड्यूल लगभग तैयार हो गया है वर्ल्ड कप का और उन्हें सारी टीमों से अप्रूवल्स मिल चुके हैं। बस पाकिस्तान ही है जो अप्रूवल नहीं दे रही है, खलल डाले जा रही है बार बार, जिसकी वजह से आईसीसी को दिक्कतें आ रही है और देरी हो रही है बार बार शेड्यूल रिलीज करने में। भाई साहब, पीसीबी का समझ में ही नहीं आ रहा है, इनके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे, इनके ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। इनके ड्रामे एशिया कप के मुद्दे से चालू हुआ है। पहले तो ये वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहते थे क्योंकि इंडिया वहां पर एशिया कप खेलने से मना कर रही थी। अब उसके बाद ये कहते हैं कि इनको सरकार से परमिशन चाहिए, इनकी अगर सरकार राजी होगी तभी जाके ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये सब सॉल्व हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में सिर्फ नॉकआउट मैचेस खेलेंगे, लीग मैच नहीं खेलेंगे। जब आशंका लगाई जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच को आईसीसी वही वेन्यू देगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अब इनका लेटेस्ट आया है, जरा सुनिए। सिक्योरिटी थ्रेट है ग्राउंड पे, वो भी सिर्फ एक मैच के लिए, लीग मैच के लिए। सेमीफाइनल मैच के लिए बिल्कुल नहीं है इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट। मेरे पीसीबी से बस कुछ ही सवाल है भाई साहब। पहला सवाल कि आपको उस ग्राउंड में नॉकआउट खेलने में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आ रही है जो आपको मिला, और वहीं अगर एक लीग मैच अगर आप वहां खेल लो तो क्या आपको सिक्योरिटी थ्रेट ऐसी मिल गई है कि आपके प्लेयर्स को इतना खतरा है, आप वेन्यू चेंज कराने पे इतनी ज्यादा पड़े हुए हो। दूसरा सवाल, किस बात का डर है आपको इतना ज्यादा पीसीबी? क्या आपके प्लेयर्स वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? क्या आपके बैटर्स सिर्फ पाकिस्तान की कॉन्क्रीट विकेट में चल सकते और कहीं नहीं चल सकते? क्या आपके कप्तान बाबर आजम से रन नहीं निकलेंगे इंडिया में, इस बात का डर है आपको? या आपके पास कोई दूसरा कारण है जहां पर आप नहीं खेलना चाहते हो? क्योंकि ये ड्रामे अब बंद होने चाहिए। इंडिया जहां पर एशिया कप के लिए मान चुका है हाइब्रिड मॉडल के लिए और पाकिस्तान कुछ मैचेस होस्ट कर रहा है एशिया कप में, तो आपको शांति से वर्ल्ड कप खेलने आना चाहिए। ये आपके लिए भी बेहतर है और क्रिकेटिंग जगत के लिए भी बेहतर है। क्या आपके अंदर वो दम खत्म हो गया जो आपके पास 1990s या 2000s में था, जब आपके पास इतने ग्रेट प्लेयर्स हुआ करते थे? वो प्लेयर्स अब क्या इंडिया में आके परफॉर्म नहीं कर सकते? क्या आप वो मैच भूल गए जो आपने चेन्नई में टेस्ट मैच जीता था? वो दम खत्म हो गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं पाकिस्तानी क्रिकेट से। बहरहाल, कमेंट्स में दोस्तों आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण छुपा बैठी है पीसीबी, ऐसा क्या डर उनके मन में बैठा हुआ है कि वो वहां पर बिल्कुल भी मैच नहीं खेलना चाह रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में? शुरू से वर्ल्ड कप खेलने के लिए इतने नखरे कर रही है, मना कर रही है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस न्यूज पे हमारी नजर रहेगी और पीसीबी की तरफ से और आईसीसी की तरफ से और क्या अपडेट्स आते हैं वो हम आपको देते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से।